Hello viewers, this is me Anush Srivastav. In this video today we will discuss about divisibility. देखिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी के बारे में कि कोई नंबर जो है वो किस नंबर से डिविजिबल है. जैसे आपको पता है कि 2 की डिविजिबिलिटी है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11. कि किसी भी नंबर को देख के आप सिंपली विद इन सेकेंड किस तरीके से बता सकते हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई एटसेक्टर नंबर. कोई भी नंबर है जैसे 2, 3, 4. देखिए तो फर्स्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 2 किस तरीके से चेक करेंगे. तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 के लिए क्या करना होता है, लास्ट डिजिट आपको ध्यान रखना है. 0, 2 की डिविजिबिलिटी के लास्ट डिजिट क्या होने चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8. इनमें से अगर कोई भी डिजिट है तो इट मीन्स दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 2. या 2 की टेबल से कोई भी लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 8, 2, 4, तो देखिए लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे, 4. सो 824 इज डिविजिबल बाई 2. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 3. डिविजिबिलिटी ऑफ 3 में क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स. सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जैसे यहाँ पे कोई भी एक डिजिट लिखी हुई है 312. अब आपको चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स. तो यानी कि 3 + 1 + 2 = 3, 1, 4, 2, 6. 6 इज डिविजिबल बाई 6, सो दिस नंबर विल आल्सो डिविजिबल बाई 3. ओके, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 4. डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4. जैसे लिखा हुआ है 432. अब देखिए लास्ट 2 डिजिट क्या है, 32, और 32 इज डिविजिबल बाई 4, सो 432 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4. लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4. ये है डिविजिबिलिटी ऑफ 4. नेक्स्ट देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 5. डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5. जैसे 0 और 5, अगर लास्ट डिजिट में 0 और 5 लिखा है किसी भी नंबर के, तो वो डिविजिबल हो जाएगा 5 से. जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है 500505. अब देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 5. सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 5. इसी तरीके से डिविजिबिलिटी ऑफ 6 देखिए क्या होता है. देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 6 को समझने के लिए सबसे पहले आपको 6 के फैक्टर्स आपको पता है क्या होते हैं, 2 × 3. तो कोई भी नंबर जो है वो 2 से भी पहले डिविजिबल होना चाहिए और फिर 3 से. अगर वो 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इट मीन्स दैट नंबर डिविजिबल बाई 6. अब जैसे यहाँ पे देखिए कोई एक नंबर लिख रहा हूँ 312, ठीक है. अब आपको पता है 2 की डिविजिबिलिटी क्या होता है, कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2. तो देखिए ये 2 से डिविजिबल, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल हो गया. अब इसको चेक करते हैं 3 से, तो 3 + 1 + 2 = कितना हो जाएगा, 6, और 6 इज डिविजिबल बाई 3, तो 3 से भी डिविजिबल हो गया. अब दोनों 2 और 3 दोनों से डिविजिबल, इट मीन्स 312 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6. यानी कि 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको पहले उसके फैक्टर करने हैं. फैक्टर करने के बाद 2 से पहले चेक करना है डिविजिबिलिटी और फिर 3 से चेक करना है, क्योंकि आपको पता है फैक्टर्स क्या होते हैं 6 के, 2 और 3. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी देखिए 7. डिविजिबिलिटी ऑफ 7. 7 की डिविजिबिलिटी आपको मोस्टली बुक्स में नहीं मिलती है, तो उसको ध्यान से सुनना है. देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 7 क्या होता है, इसकी लास्ट डिजिट ध्यान से सुनना है, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कराना है. ओके, देन रिमेन डिजिट्स को यानी बची हुई डिजिट्स से सबट्रैक्ट कर देना. जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, 343, उसकी लास्ट डिजिट देखिए क्या है, 3 है, तो इसको क्या कराएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे. किससे करा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई. अब बची हुई डिजिट क्या है, 34, और उसमें से आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है. जब आप सबट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 24. 34 - 2 = 6, और ये 20. आपको पता है 28 इज डिविजिबल बाई 7, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7. अगर मान लीजिए इसी तरीके से बहुत ग्रेटर नंबर दिया हुआ है, मतलब बड़ा लार्जेस्ट नंबर है, तो आप यही प्रोसेस बार बार करते रहेंगे. जैसे मान लीजिए 4 डिजिट होता तो 3 डिजिट बनता, तो फिर उसकी लास्ट डिजिट लेते, 2 से मल्टीप्लाई करते और रिमेन डिजिट से सबट्रैक्ट कर देते. ओके, नाउ द डिविजिबिलिटी ऑफ 8. लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8. जैसे देखिए लिखा हुआ एग्जांपल 80480. अब इसकी लास्ट 3 डिजिट्स देखिए क्या लिखे, 480 इज डिविजिबल बाई 8, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 8. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 9. डिविजिबिलिटी ऑफ 9 क्या देखिए है, जैसे आपने 3 की डिविजिबिलिटी पढ़ी है, सेम 9 की डिविजिबिलिटी. सम ऑफ ऑल डिजिट, जैसे यहाँ पे लिखा है 2, 1, 8, 9, इस तरीके से कोई भी नंबर लिया, तो देखिए इन सभी को ऐड करिए, 2, 1, 3, 3, 8, 11, 11, 9, 20 और 21. तो 21 देखिए 9 की डिविजिबल, 9 से डिविजिबल नहीं होता, सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 9. जैसे कोई भी एक नंबर ले लिया मैंने, 2, 4, 5,
4 1। अब देखिए 2 4 6 6 5 11 11 5 50 4 15 15 में 16। अब 16 इज नॉट डिविजिबल बाई 9, सो दिस नंबर विल नॉट डिविजिबल बाई 9। ओके नेक्स्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 10। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 क्या होगा? लास्ट डिजिट शुड बी जीरो। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है 5 0 0 0 0 इस तरीके से, तो लास्ट डिजिट क्या है? जीरो है, तो इट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाई 10। अब 11 की डिविजिबिलिटी समझते हैं। देखिए 11 की डिविजिबिलिटी के लिए सबसे पहले आपको समझना है कि इवन और ऑड प्लेसेस क्या होते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 2 3 4 5 1, तो यहाँ पे देखिए इवन और ऑड प्लेसेस, तो ये नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। आप इसको बैक साइड से भी कर सकते हो। तो देखिए इवन ऑड प्लेसेस कौन से? 1 3 और 5, और इवन प्लेसेस कौन से हैं? 2 और 4। तो क्या करते हैं, यहाँ पे इवन प्लेसेस को ऐड करते हैं, ऑड प्लेसेस को ऐड करते हैं, और दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं। अगर 0 या 11 या 11 के मल्टीपल्स आते हैं तो दैट नंबर विल डिविजिबल बाई 11। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 1 3 3 1, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, नंबरिंग पहले कर लीजिए 1 2 3 4। अब देखिए इवन प्लेसेस कौन सा है, तो ये इवन प्लेसेस, और इन दोनों का सम कितना होगा? 4। ऑड प्लेसेस कौन से हैं? 1 और 3, इन दोनों का सम कितना होगा? 4 4 माइनस 4 0। अब 0 आ गया, इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11। दीज वर डिविजिबिलिटी एंड सम सम्स रिलेटेड टू दीज डिविजिबिलिटी। देखिए फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द नंबर 7x3 इज डिविजिबल बाई 3, ऑल्सो फाइंड ईच सच नंबर। अब देखिए क्या लिखा है, 7x3, और ये नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3 से। तो पहले इसका सम करते हैं, तो 7 + x + 3, और ये कितना हो जाएगा? 10 + x, और 10 + x इसमें कौन सा नंबर ऐड कर दें? अगर हम यहाँ पे 2 ले लें तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और 12 इज डिविजिबल बाई 3, तो यहाँ पे 2 हो गया। इसी तरीके से आप कौन सा नंबर, 5 भी ले सकते हैं, इसी तरीके से आप 8 भी ले सकते हैं। तो ये जितने भी नंबर्स आप लेंगे तो दैट वैल्यूज विल बी ऑफ एक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच द नंबर 5 3 y 1 इज डिविजिबल बाई 3, ऑल्सो फाइंड ईच सच नंबर। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 3 y 1 डिविजिबल बाई 3, तो इन सभी को पहले प्लस कर लेते हैं, 5 3 + y + 1, 5 3 8 1 9, 9 + y। अब आपको डिविजिबल करना है 3 से, तो अगर y की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? 9 होगा, और 9 इज डिविजिबल बाई 3, तो y की वैल्यू क्या होगी? 0। अब इसी तरीके से आप 3 भी ले सकते हैं, 3 लेंगे तो कितना होगा? 9 3 12 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। सो वैल्यूज ऑफ y मे बी 0 and 3 एंड एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच नंबर इज डिविजिबल बाई 9। तो 9 के लिए क्या बताया गया था आपको, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो देखिए x + 8 + 0 + 6, तो x प्लस कितना होगा? 14। और आपको पता है यहाँ पर 9 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए, अगर यहाँ पे 4 रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 18। 18 इज डिविजिबल बाई 9, सो द वैल्यू ऑफ x इज, और वैल्यू ऑफ जेड इज 4। इसी तरीके से डिविजिबिलिटी देखिए लिखा है, गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ ईच फॉर नंबर ईच वन ऑफ विच इज़ डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 9। यानी कि एक ऐसा नंबर बताना जो 3 से डिविजिबल हो बट 9 से ना हो। तो सिंपल सी बात है, अगर एक 6 ले लें तो क्या है, 3 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरीके से गिव फाइव एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर ईच वन ऑफ विच इज़ डिविजिबल बाई 4 बट नॉट डिविजिबल बाई 8। अब इसी तरीके से मान लीजिए जैसे 12 इज डिविजिबल बाई 4 बट नॉट डिविजिबल बाई 8। सो दीज वर क्वेश्चन, एंड दीज आर सम रूल्स, यू कैन रीड इट from here, these are rules. Thank you for watching our video, write me in comment.